मोदी जी के रहने में हमें कुछ डर नहीं है और आगे बढ़ते ही बढ़ते जाएंगे। हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत, और भारत में रहते हम भारतीय हैं। टुडे हैज़ बीन अ हिस्टोरिक डे वेयर इंटरफेथ लीडर्स एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैव अपॉर्चुनिटी टू विजिट दिस न्यू पार्लियामेंट एंड टू सी प्राइम मिनिस्टर्स एंड वाइस प्रेसिडेंट। हमें प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से हमें भारत की एकता, अखंडता और जाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र सर्वोपरि है उसकी एकता के लिए, उसके विकास के लिए हमें काम करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। कल पीएम मोदी ने सदन में जैसे ही कदम रखा पूरा सदन गूंज उठा। लोन देकर देश के प्रधानमंत्री ने रोजगार देने का काम किया, ये है मोदी। और उसके बाद एक एक कर उन्होंने किस तरह से पूरे विपक्ष की धज्जियां उड़ाई, वो बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। क्या हो गया है दादा, क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं क्या? देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो, बहुत तोड़ा देश को। आज विपक्ष की जो हालत होगी ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है। सदन के अंदर तो पीएम मोदी ने विपक्ष को आईना दिखा दिया, तो वहीं सदन के बाहर की ये तस्वीरें देखकर कहीं विपक्षी अपने होश न गंवा बैठे। आज का मिलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज का पैगाम है मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे आज हम ये बताना चाहते हैं। कितने लोग, कौन कौन लोग आए हैं सर? पूरा माइनॉरिटीज, हम हमारी इंडियन माइनॉरिटीज मेंबर, जातियाँ अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के। जी हाँ, कल की तस्वीर और बयान तो आपने देखे ही होंगे, जब पीएम मोदी सदन में भड़के हुए दिखाई दिए, उन्होंने विपक्ष को जमकर लतार लगाई, तो वहीं एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले ये धर्म गुरु एकता की ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं जिस पर आलोचक हमेशा बयानबाजी करते हैं कि देश में कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन आज ये तस्वीरें उन सभी के मुंह पर करारा तमाचा है। संसद की ओर कूच करते हुए इन धर्म गुरुओं की जुबान पर एक ही बात थी कि हम सब एक हैं और विश्व में शांति रहे, इसीलिए आज हम सब एक साथ पीएम मोदी जी से मिलने आए हैं। दरअसल देश के विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले धार्मिक नेता संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मिलने के लिए संसद पहुंचे थे। इन धार्मिक नेताओं ने संसद की कार्यवाही भी देखी। विभिन्न धार्मिक नेता इस दौरान पीएम मोदी से काफी प्रभावित नजर आए। सभी नेताओं ने एक स्वर में देश को आगे ले जाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। सभी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश फिर से विश्व गुरु बनने के करीब है। नए संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद धार्मिक नेताओं ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। हर धर्म में सब धर्म के लिए हम इधर आए हैं, हर धर्म को आशीर्वाद देते हैं और मोदी जी के रहने में हमें कुछ डर नहीं है और आगे बढ़ते ही बढ़ते जाएंगे, तो हमको कुछ भी ये नहीं है और हमारा देश विश्व में महान हो जाए, इतनी हमारी शुभेच्छा। आज का जो ये हमारा सबका यहाँ नए संसद भवन में तमाम सभी धर्मों के धर्म गुरु यहाँ मौजूद थे, आज के इस बदलते भारत के ये तस्वीर थी कि हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत, और भारत में रहते हम भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। आज हमें ये संदेश हमने दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये संदेश दिया कि हम सब भारतीय हैं, इसी भारत को हमें मजबूत करना है। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है, तो आज हमने सब ने मिलकर एक यहाँ एकजुटता दिखाकर भारत और भारतीयता को मजबूत करने का संदेश दिया है, इसी को हमें सबको आगे लेके चलना है, यही दिशा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपना खुशी का इजहार सबको किया और सबको और सब लोगों ने मिलकर सब ने उनका धन्यवाद किया, सब ने उनको आशीर्वाद दिए, तो मुझे लगता है कि आज उनका ये सब मिलकर मिलना इस बदलते भारत की यही तस्वीर है। बहुत सारे लोगों से, बिल्कुल नरेंद्र जी भाई से भी मुलाकात हुआ है, तो मैं मुख्तसर अर्ज करूंगा यही कि वलकत करम न बुनियादमा होली कुरान
says us, you honored all descendants, you have obligation to honor all descendants of Adam. इंसानियत है, सब कुछ है, तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताद के लिए कम नथे करो दिया है। हर एक इंसान खुश है तब वर्ल्ड अच्छा लगता है, तब दुनिया अच्छा लगता है। वो है टॉलरेंस, पीस और सूफीज्म, शांतिज्म। वही सूफीज्म पे हम काम कर रहे हैं जन के, तो नीड जो वहां पे वो रहा है ऋषि मुनियों का, उसी को रिव्यू करने की जरूरत है। बहुत खुशी हुई, सभी धर्म गुरुओं ने उनको ब्लेस किया, आगे बढ़ो। सभी धर्म, जाति, संप्रदाय भारत में आदि अनादि काल से एक रहे, आज भी एक है। और भारत में वासुदेव कुटुंबम की जो बात है, उसी का मैसेज लेकर हम आए थे। वी आर ऑल वन, आवर थॉट्स, आवर पर्सपेक्टिव्स माइट बी डिफरेंट, बट वन फादर, वी आर हिज चिल्ड्रन। एंड हाउ इज योर मीटिंग? मीटिंग वाज वंडरफुल। The PM, the Vice President, they gave us enough time. Very kind of them. नए पार्लियामेंट में जहां पूरे देश की तरफ से संवाद किया जाता है, देश के भविष्य के लिए, देश के प्रेजेंट के लिए, और जो नीतियां यहां पे बनती हैं वो संवाद से बनती हैं। आज तमाम धर्मगुरु जो यहां पे मौजूद हुए हैं, उस संवाद को आगे बढ़ाने के लिए और पार्लियामेंट से इस संवाद को जन जन तक लेके जाने के लिए जो एक विजन है हमारे देश के प्रमुख जो मुखिया जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो पैगाम है अमन एकता का, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, मेरे ख्याल से आज इसको रेजोनेट करते हैं 140 करोड़ देशवासी। और मैं फिर कहूंगा कि संवाद ही सफलता की पहली सीढ़ी है, पहली सफलता है, और उसके लिए हम यहाँ पे बहुत दुआ करते हैं। आदाब सलाम, बहुत दुआएं। भारत के लोकतंत्र के इस मंदिर में आकर के और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मिलकर बहुत ही खुशी हुई, और इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन के तत्वाधान में हम लोग जो भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए और भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं, भारत की अनेकता में एकता भारत की मौलिक विशेषता है, सर्वधर्म सद्भाव भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, जिसको लेकर के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस कार्य को कर रहे हैं। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो वो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, आज उसी संदेश को लेकर के हम पूरे देश में जाएंगे। इन सबसे मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने भी कहा कि आज संसद में धार्मिक नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल से मिलकर खुशी हुई, मैं हमारे राष्ट्र के विकास पथ पर उनके दयालु शब्दों के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। वहीं धार्मिक नेताओं ने नए संसद भवन का दौरा भी किया और उसे आशीर्वाद दिया, पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए प्रार्थना भी की। और ऐसे में तस्वीरें विपक्षियों के मुंह पर करारा तमाचा है। तो आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।